गाइस वेलकम टू माय चैनल सूर्य स्क्रिप्ट। आज के इस वीडियो में हम मतलब एडवर्ब की टाइप्स देखने वाले हैं। टाइप्स तो कह नहीं सकते बट ये कह सकते हैं कि एडवर्ब हो क्या सकती है। जैसे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, एग्जांपल देखो, गुणवाचक अथवा ढंगवाचक क्रिया विशेषण जिससे क्रिया के प्रकार अथवा गुण का बोध हो उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। देखो एग्जांपल से समझो, अनु रिसीव्ड द गेस्ट नाइसली। तो अनु मेहमानों का बहुत अच्छे ढंग से स्वागत करती है। इससे क्या पता लग रहा है, हमें उसका गुण पता लग रहा है। अनु का चाहे जो भी उसने काम किया उसके बारे में पता लग रहा है कि उसने कैसे किया, वो अच्छा किया गंदा किया चाहे, ठीक है। तो इसलिए इसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, काल सूचक क्रिया विशेषण जिसमें टाइम का बोध हो, ठीक है। ही विल फिनिश हिज वर्क सून, वह जल्दी ही अपना काम पूरा कर लेगा। इससे आपको क्या पता लग रहा है, टाइम पता लग रहा है हमें कि वो कब काम खत्म कर लेगा, जल्दी कर लेगा। जैसे कि सीमा विल गो टमोरो, सीमा कल जाएगी। इससे आपको क्या पता लगा, जाएगी तो लेकिन कब जाएगी, टाइम का पता लग गया हमें कि कल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थानवाचक क्रिया विशेषण जिसके स्थान का बोलो। देखो प्लीज पुट द बुक देयर, कृपा पुस्तकें वहाँ रख दें। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि बुक को वहाँ रख दो, कहाँ रख दो, प्लेस का है कि यहाँ भी हम जब कहते हैं ये बुक मेरी है मेरे को देना, तो जैसे कि वहाँ रखा है खाना, हम इशारे हाथ से दिखा देते हैं कि वहाँ रखा है खाना ले लो, तो फिर उन्हें समझ आ गया, ठीक है। सो इसमें प्लेस का डिस्कस है, जैसे कि गो वेंस कम यू कम, ठीक है, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, तो ये प्लेस का नाम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर, संख्यावाचक क्रिया विशेषण जिन्हें संख्या का बोध हो। देखो आई हैड वॉर्न यू ट्रेन्स, मैं तुम्हें तीन बार समझा चुकी हूँ, चेतावनी दे चुकी हूँ। तो इसे ट्रेन्स से क्या पता लग रहा है, नंबर ऑफ वार्निंग्स, हाउ मेनी टाइम्स शी हैव बीन गिवन द वार्निंग्स, ओके। शी हैड 50 rupees, बाय दिस वी नो दैट हाउ मच मनी शी गॉट, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवर्ब। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टोटल 8 हैं, 4 कर चुके हैं, 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक।